Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tehreem and I welcome you all to Javed Publishers. आज हम Kids English Grade 1 के Chapter Number 8 जिसका टॉपिक है Health is Wealth की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. Answer the following questions. Why was Ehsan absent? Ehsan was absent because he was not feeling well. Question number 2. How did Ehsan get stomach? Ehsan got stomach because he ate unhealthy food from a street vendor. Question number 3. Should we eat unhealthy food? No, we should not eat unhealthy food. What should we do before having a meal? Always wash your hands before having a meal. What will happen if we adopt unhealthy habits? Unhealthy habits can make us sick. Now, second question is fill in the blanks by choosing the right option for each statement. यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें तीन आपके पास पॉसिबल वर्ड्स हैं जो कि इस स्टेटमेंट के हिसाब से फिट इन होंगे. आपने बताना है Ehsan was एंड योर ऑप्शंस आर प्रेजेंट, एब्सेंट और क्राइंग. यस, ही वाज एब्सेंट. नंबर 2 - इज द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह. द करेक्ट आंसर इज हेल्थ. यूज - आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम. जूस, वाटर और बोथ ए एंड बी. यूज वाटर after using the washroom. Number 4, unhealthy food can make us sick. - is wealth, health is wealth. Oral communication. Look at the picture, produce the sound of the scrambled letters and make a word to complete the sentences. जी हाँ, यहाँ पर आपको एक तस्वीर, उसके सामने कुछ scrambled word दिया गया है और सामने एक sentence है. आपने word को unscramble करके इस sentence में fit in करना है. जैसे कि हमारे पास पहली तस्वीर है एक बहुत मोटे दरख्त के तने की, तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉग. ही सैट ऑन अ ब्राउन लॉग. नंबर 2, हेन. आई हैव अ हेन. नंबर 3, इट्स अ कार. आई लाइक माय रेड कार. थिंक ऑफ द सेम कैटेगरी. लेट अस नो अबाउट द थिंग्स ऑफ द सेम कैटेगरी और ग्रुप. यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई है, यानी कि एक वर्ड प्लैनेट्स, जिसमें हमने आगे वो वाले वर्ड्स दिए हैं जो इसी कैटेगरी में, यानी कि इसी वर्ड की कैटेगरी में फॉल करते हैं. अगर हम प्लैनेट्स लिख के प्लैनेट्स के नाम लिखेंगे तो ये एक ही कैटेगरी में फॉल करेंगे. इसी तरह एनिमल्स, एनिमल्स के नेम दिए गए हैं. ग्रेन यानी कि पल्सेस, दालें वगैरह हमारे पास जो हैं उसकी आगे एग्जाम्पल्स दी गई हैं. इसी की मुनासिबत से हमारा एक अगला सवाल है. इन सर्कल ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. आपको स्पोर्ट्स, वेजिटेबल और फ्रूट के बारे में पूछा गया है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं फ्रूट की कैटेगरी में लाए करते हैं. जैसे कि फ्रूट की कैटेगरी में हमारे पास ऑप्शंस हैं एप्पल, ऑरेंज, अनियन एंड स्ट्रॉबेरी. सो इसमें फ्रूट कौन से हैं? एप्पल, ऑरेंज एंड वेरी ट्रू, स्ट्रॉबेरी. तो यानी कि अनियन यहाँ पर इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता बिकॉज अनियन इज अ वेजिटेबल. इसी तरह नेक्स्ट आपने वेजिटेबल्स को फाइंड आउट करना है और स्पोर्ट्स के कॉलम में आपने जो हमारे खेल की चीज़ें हैं उनको फाइंड आउट करना है. यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि वेजिटेबल्स के कॉलम में एक वर्ड है ओकरा. ओकरा को हम भिंडी कहते हैं, यानी कि जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में लेडी फिंगर बोलते हैं. ओकरा इज लेडी फिंगर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, स्पीकिंग स्किल्स. प्रैक्टिस द गेम डायलॉग विद योर फ्रेंड. महम, हुर्रा, आई हैव वॉन द गेम. Yes, you scored highest. You are a good player. Congratulations. Thank you. You are also a good player, Arsalan. Let's play again. I will win now. Maham, okay, let's start. Keep watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ.